नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबरें। खबरों को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर खबर की करंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहाना कोतवाली के कोपागंज ब्लॉक क्षेत्र के बरजला से खवलिया गांव निवासी पूर्व प्रधान बिजली यादव की रविवार सुबह बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दिया। सुबह वह घर से टहलने के लिए निकले थे कि गांव के बाहर ही बदमाशों ने गोली मारकर हत्याकांड को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह घटना उस समय हुई जब सपा नेता व पूर्व प्रधान बिजली यादव अपने गांव के पास रोड पर टहल रहे थे। उसी समय बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने गोली मार फरार हो गए। गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई, साथ ही पुलिस अधीक्षक भी घटना का जायजा लिया। वही सूचना मिलते ही जिले के सपा नेता और कार्यकर्ताओं की भीड़ में घटनास्थल पर उमड़ पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। इस दौरान सपा MLC राम जनतन राजभर ने बताया कि मृतक बिजली यादव साफ छवि के मिलनसार व्यक्ति थे, उनका किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। SP ने उनके हथियारों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। वही पुलिस अधीक्षक अनुराग यादव ने बताया कि सूचना मिली है कि सुबह एक पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गया है। डाक स्क्वायड सहित तमाम टीमों को जांच पड़ताल के लिए लगा दिया गया है। मृतक की पत्नी के तहरीर पर केस दर्ज किया जा रहा है। घटना को अंजाम देने वालों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जघन्य हत्या है जो है, और एक बढ़िया और अच्छे क्षेत्र के लिए सम्मानित प्रधान जी थे, और जिन लोगों ने इनकी हत्या की है वो अभी SP साहब से भी बात हुआ है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो भी हत्यारे हैं इसमें पकड़े जाएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा जो है उनको दी जाए। कोई ऐसी हत्या, कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे कि पूरे क्षेत्र जानता है कि बिजली प्रधान जी एक सीधे सादे मिलनसार बहुत ही अच्छे सबके दुख सुख में चलने वाले रहे हैं। यही तो सब लोग हैरान परेशान हैं कि इनसे किसी से झगड़ा नहीं, किसी से कुछ नहीं, और आज जो है अचानक ऐसा हो गया है। तो इसमें तो भाई सारे लोग शोकाकुल हैं, या सारे क्षेत्र भी परेशान है कि आखिर ऐसा हुआ। प्रति यह है कि जितना हो सकेगा हम लोग परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में, और पूरा क्षेत्र उनके साथ है। थाना मोहम्मदाबाद चित्रांग अंतर्गत सुबह सूचना मिली थी कि एक प्रधान है, उनकी गोली मारकर हत्या की गई है। मौका मुआयना मेरे द्वारा किया गया है, फील्ड यूनिट आई हुई है, डॉग स्क्वाड आई हुई है। उनकी पत्नी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जितने भी एंगल हैं, जितने भी कोई पुराने रंजिश अगर है, कोई विवाद है, उन सब पर पुलिस अभी छानबीन कर रही है। बहुत जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा, और जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं, करने वाले हों या कराने वाले हों, उन सभी को वर्कआउट करके किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ TV20 न्यूज पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।